छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोचे में था, तो प्रभु का एक दूत उसके स्वप्न में आके कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, महाराज, पूर्व देश से कई मजूसी आपसे मिलने आए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरे इज़राइल की रखवाली करेगा। तो जाओ, उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। और उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात को मैदानों में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आओ हम बैतलहम जाकर जो बात हुई है देखिए। हाँ चलो देखिए।
word machine. Check. The face of the face.